बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप? वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काजिम और आपसे अब तो इंशाल्लाह हर मंडे टू फ्राइडे यानी कि पीर से लेके जुम्मे तक आपसे मुलाकात हुआ करेगी पीटीवी होम पे एंड देन ऑफ कोर्स लेटर ऑन पीटीवी ग्लोबल पे भी। तो व्यूअर्स, अब क्योंकि हम अपने प्रोग्राम को अपने वो जो कहते हैं ना तरतीब में ले आए हैं, सेलिब्रेशन तो जारी है लेकिन शो में क्या करना है क्या नहीं करना, कल कुछ हमने मशवरे भी लिए, कुछ एडवाइस भी ली, आज भी हम आपसे भी मशवरे लेंगे और हमारे साथ जो हमारे गेस्ट्स होंगे सेट पे उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल यही है कि आपको उस किस्म की प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करें जिस किस्म की प्रोग्रामिंग आप देखना चाहते हैं, ना कि हम खुद बना के आपको चीज़ें प्रेजेंट करते हैं ज़बरदस्ती। ये वो वाली बात होती है ना कि घर में बस खाना बना दिया गया है या फिर सबकी फरमाइश के मुताबिक खाना बनाया गया है। तो कोशिश हमारी यही होगी कि इंटरेस्टिंग, फन एंड एट द सेम टाइम इंफॉर्मेटिव प्रोग्रामिंग हम आप तक पहुँचाएँ। कल नूरुल हसन ने, नूर भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब जो हैं वो बहुत अच्छा एक काम किया करते थे अपने, खैर उनका सारा ही जो पूरा मॉर्निंग शो था वो सारा ही बड़ा फैबुलस था, लेकिन उसमें एक अच्छी सी बात या एक कोई प्यारी सी बात या कोई पते की बात जो है वो डेली डिस्कस की जाती थी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे सोशल मीडिया के पेजेस पे, हमारे फेसबुक पे, और हम अपना इंस्टाग्राम का पेज भी बना रहे हैं बट फेसबुक का हमारा पेज जुगन एट होम के नाम, सॉरी नॉट जुगन एट होम के नाम से है, मॉर्निंग एट होम के नाम से है। तो मॉर्निंग एट होम के हमारे फेसबुक पेज पे जाके अब जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ आपने वो पूरी करनी है। अब वो रिक्वेस्ट क्या है? वो रिक्वेस्ट ये है कि आपने अपने नाम के साथ हमारे साथ शेयर करनी है कोई अच्छी सी बात या कोई पते की बात। ठीक है, आपने कोई अच्छी सी बात या कोई पते की बात हमारे साथ शेयर करनी है, हम उसकी पर्चियां बना के अपनी एक पटारी में या किसी एक बोल में डाल के रखा करेंगे और हर रोज़ सुबह एक उसमें से पर्ची निकाला करेंगे और आपके नाम के साथ शेयर करेंगे कि भाई हमें आयशा ने फलां बात की है फ्रॉम मुल्तान। वैसे आयशा फ्रॉम मुल्तान हमारी बड़ी रेगुलर फॉलोअर एंड वॉचर हैं ऑफ जो भी मैंने शो आज तक किया है, तो इस वजह से इस किस्म के हम लोग मैसेजेस शेयर करेंगे, चाहे आयशा का मैसेज हो, जमशेद साहब का मैसेज हो, फिरदौस का मैसेज, कुछ आप अपने नाम के साथ कोई अच्छी बात या कोई पते की बात हमारे साथ शेयर करेंगे। हर रोज़ जब हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो हम प्रोग्राम के अंदर जो है वो मतलब उस बोल में से निकाला करेंगे डेली इन द मॉर्निंग और आपके साथ कोई अच्छी बात या कोई पते की बात डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आगाज़ करती हूँ किसी अच्छी बात किसी पते की बात के साथ। सो आगाज़ करते हैं इस बात के साथ कि खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। लेकिन हमारा जो लाइव कॉल के लिए नंबर है वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी क्योंकि आज से हम अपनी लाइव कॉल्स लेने का भी सिलसिला स्टार्ट करेंगे। 04299200648, आप 04299200648 पे कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। फेसबुक का पेज है मॉर्निंग एट होम के नाम से, तो आपने हमसे रابطہ ज़रूर करना है। अच्छा, अब अगर हम पते की बात करें या किसी जिसको हम कहते हैं कि अच्छी सी बात की बात करें तो खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। मैंने आज तक कभी किसी को दूसरे के लिए खुश होते हुए देख के ये नहीं देखा कि उसकी अपनी ज़िंदगी की खुशियों में कमी आ जाए, बल्कि जब हम दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं तो अक्सर अपने गम, अपने मसाइल, अपने प्रॉब्लम्स भी भूल जाते हैं हमेशा। ये तो बहुत अरसे से मैं एक बात कहती आ रही हूँ या हर प्लेटफॉर्म पे ये बात कहती हूँ कि अगर हम किसी के लिए आसानियाँ नहीं पैदा कर सकते तो कम से कम मुश्किलात ना पैदा करें। सो कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें, खुशियाँ लोगों की ज़िंदगियों में लेके आएं, खुशियाँ बांटें ताकि हमारी अपनी ज़िंदगियाँ भी खुशगवार हों और दूसरे भी अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव और अच्छे अंदाज में गुजार सकें। आइए व्यूअर्स, फर्स्ट कॉलर ऑफ मॉर्निंग एट होम फ्रॉम लाहौर विद जुगन काजिम, सो लेट्स सी कि आज हमारे साथ फर्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरी किससे बात हो रही है? जी मैं मिसेस हबीबा शाह जमाली बात कर रही हूँ सखर से।
वाओ, सखर से मिसेस हबीबा, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं जुगन? अल्लाह का बहुत शुक्र है। और आप तो हमारे साथ बड़ी हमारी एक रेगुलर कॉलर हैं, जिधर भी मैंने कभी शो किया है आपसे हमेशा बात होती है। तो मुझे ये बताइए कि आपको कल का शो कैसा लगा? और जी मॉर्निंग अच्छा लगा बहुत, और हमें बहुत खुशी हुई कि आप वापस आ गई। थैंक यू सो मच। वो एक आपने कलर भी बहुत अच्छा पहना हुआ है, ड्रेस बड़ा अच्छा पहना। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत प्यारा पहना हुआ है, कलर बहुत प्यारा है आपका ड्रेस का जी। अच्छा एक बात बताएं मिसेज उमैया हबीबा, कि आप कोई अच्छी सी बात, कोई प्यारी सी बात, कोई पते की बात हमारे साथ शेयर करेंगी? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग मुसलमान हैं और हमें आपस में मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए। बड़ी ही आपने अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। और बात यह है कि इसके आपकी ही बात में ऐड करूँगी, और मुसलमान होने के नाते हमें, चाहे हम नॉन मुस्लिम्स के साथ डील कर रहे हों या मुस्लिम्स के साथ डील कर रहे हों, हमारा रवैया हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। एंड हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे बहुत से डिफरेंट मज़ाहिब के लोग हमारे साथ बसते हैं, तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत से और प्यार से हमें ज़रूर पेश आना चाहिए। तो कोई एडवाइस, कोई मशवरा है प्रोग्राम के लिए? जी बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि शुक्र है आप वापस आ गई, बड़ा आपको मिस करते थे हम, बड़ा अच्छा लगा हमें आपको दोबारा से देखकर स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच, हमारी आपके साथ बहुत सारी दुआएं हैं और आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। जरूर, आप लोग तो हर लम्हे दुआओं का और दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर योर एब्सोल्युटली लवली एंड हार्ट वार्मिंग मैसेज। और इसी तरह व्यूअर्स, आप भी कॉल करते रहें, कंटिन्यूसली हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहें, बल्कि मेरी तो ये ख्वाहिश है कि जो हमारे गेस्ट भी होते हैं प्रोग्राम में, उनसे भी कॉल करके आप ज़रूर बात किया करें। और आ गए हैं हम किचन में, जहाँ पे बड़े ज़ोरों खरोश से जो हैं वो शेफ़ रहमा शेख जो हैं वो खान पीन तैयार कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। कल बिरयानी नहीं वक्त पे बनी थी? कल फर्स्ट शो था और टाइम थोड़ा कम था, और ऑब्वियसली सारी हमारी चीज़ें थी और सारी चेंज हो रही थी, तो आज ये नहीं दूंगी मौका, आज मैं सारा पहले सारा रेडी करके रख दूंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, और यही चीज़ हम व्यूअर्स अक्सर आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि खाने पीने की चीज़ें जब आपने बनानी हो तो उसकी अगर आप तैयारी कर लें, प्रेप कर लें उसको, तो वो बड़ा आसान हो जाता है। ख़वातीन मर्दजात, अब तो ज़माना अल्लाह का शुक्र है बदल गया है, तो मर्द ख़वातीन दोनों ही कुकिंग की तरफ उनका रुझान होता है, अपनी प्रेपिंग कर लिया करें। आप देखें ना, जैसे कि हमारी शेफ़ जो हैं वो चिकन के पीसेस को पहले से प्री कट करके तैयार कर रही है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। बताएं फिर, आपको आती कुकिंग? कुकिंग शोज भी काफ़ी किए हैं मैंने। अच्छा, बना लेती हूँ खाना, ऑब्वियसली शेफ के लेवल का नहीं, बट कोशिश ज़रूर करती हूँ। और जब बच्चे हों और उन सब की फरमाइशें हों तो बनाना पड़ ही जाता है यार, ये तो है। अच्छा ये बताइए कि आपका आज का मेन्यू क्या है? आज का हमारा मेन्यू है क्लब सैंडविच, चिकन क्लब सैंडविच है, और हमारा चिकन स्पेगेटी है, और साथ मार्गरीटा है, मिंट मार्गरीटा। वंडरफुल। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि क्या हम मिंट मार्गरीटा जब हमारे गेस्ट आएंगे तो उनको फौरन सर्व कर सकते हैं? फौरन भी कर सकते हैं, सब तैयार उसको कर लें। तो मिंट मार्गरीटा की रेसिपी बता दो मेरी। मिंट मार्गरीटा की रेसिपी है कि आपने कुछ पत्ते आपने ले लेने पुदीना के, साथ आपने सोडा ले लेना है, साथ आपने डेढ़ चम्मच शुगर, मतलब क्वांटिटी आपने एक ग्लास की रखनी है डेढ़ चम्मच शुगर की, और साथ आपने ना लेमन जूस ले लेना है। इसको आपने ना ज़्यादा आइस क्यूब्स लेके इसको ग्राइंड कर लेना, और सोडा जो है आपने वो कम रखना है, पहले कम रखना है फिर बाद में ज़्यादा ऐड कर देना, ताकि उसकी वो जो गैस होती है वो निकल ना जाए, वो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, फिर आपका मार्गरीटा बहुत परफेक्ट बनेगा। बिल्कुल सही। अब देखें, अगर आप, एक तो होता है प्लेन सोडा जो मार्केट में मिलता है, और एक और होता है जो वाइट वाली ड्रिंक मार्केट में मिलती है, अगर वाइट ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी मीठी होती है, तो फिर चीनी की मिक्दार वो आप चेक कर लीजिएगा ना कि आपको किस तरह का कितना टेस्ट चाहिए। एंड जो लोग डाइट पे हैं अक्सर वो ये कंप्लेन करते हैं, या जो डायबिटीज़ का जिनको इशू होता है उनके लिए इसका एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव ये है कि आप चीनी की जगह किसी भी शुगर फ्री ऑप्शन को इस्तेमाल कर लें। कुछ लोग स्टीविया यूज़ करते हैं, कुछ ब्लेंडा यूज़ करते हैं, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वो डाल लें, और सोडा जो आप डालें वो आप
डाइट वाला डाल दें या शुगर फ्री वाला डाल दें तो आपका वही फ्लेवर अचीव हो जाता है और शुगर वाला एलिमेंट जो है वो फिर उससे आप बच जाते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है व्यूअर्स, और वो जो हब्स वाला फीलिंग होती है तो इंसान को रिफ्रेशिंग ड्रिंक की ज़रूरत होती है, और पुदीना तो हाजमे के लिए बड़ा अच्छा है, के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आज पुदीना जो है ज़रूर यूज़ करें। बहुत गर्मी आजकल, गर्मी आजकल बाबा, आज बारिश कितनी अच्छी हो रही है, फिर हबस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, खुश नहीं होना इस लड़की ने ना किसी बात पे, हमारा ये जो यूथ है ना, इस यूथ का क्या पाकिस्तान कभी खुश नहीं हो सकता। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि मेरी जान, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे चलो बारिश तो हुई ना, लेकिन जो फिर कराची में हालात हुए हैं पिछले दिनों बारिश की वजह से, उसकी वजह से ऑब्वियसली बहुत परेशानी हुई, बड़ा इशू हुआ, बट लाहौर का फिर भी कदरे आई थिंक ड्रेनेज सिस्टम बेहतर है। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, उसके अलावा हम सैंडविच भी तैयार करें, सैंडविच की भी रेसिपी बता दो, उसके लिए चिकन कट हो रहा है इस वक्त, उसके लिए चिकन कट हो रहा है। तो बताओ कि उसकी क्या रेसिपी है हमारे सैंडविच की। उसकी रेसिपी है, पहले आपने चिकन, मैं भी एक क्लब सैंडविच की बताऊंगी आपको, जितनी क्वांटिटी में चाहिए उसको आपने बढ़ा हिसाब से, तो ये सिंगल सिंगल क्लब सैंडविच, बिल्कुल। तो आपने पहले, सबसे पहले 3 स्लाइस ले लेने हैं, साथ आपने चिकन ले लेना 1.5 ग्राम, उसके बाद उसमें एक चीज़ स्लाइस ऐड करना है, आपने उसको फ्राई करना है, एग को फ्राई करके उसमें ना स्प्रेड करना है, साथ मायोनीज आपने स्प्रेड करनी है, यानी कि स्लाइस आपने पहले मायोनीज स्प्रेड करके लगानी है, उसके ऊपर आपने लगाना चिकन जो मैरिनेट किया होगा, वो मैरिनेशन की मैं अभी रेसिपी साथ बताती हूँ। चिकन आपने वो करके लगा देना है, उसके बाद आपने चीज़ स्लाइस लगाना है, फिर आइसबर्ग लगानी है एक स्लाइस पे, और साथ टमेटोज लगाने हैं, और उसके ऊपर आपने दूसरे स्लाइस पे भी चिकन लगा के इसके आपने लेयर्स बना लेनी है। लेयर्स बना के आप इसको आप वो ओवन कर लें बंद, जिस तरह भी आपने गरम करना करके वैसे भी आप रख सकते हैं। तो अब जो मैरिनेशन, चिकन मैरिनेशन की रेसिपी है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें आपने जो है ना 1.5 चम्मच लाल मिर्च डालनी है, थोड़ा सा आपने काली मिर्च एक टीस्पून, साथ हसबे ज़रूरत आपने नमक डालना है, और सिरका एक खाने का चम्मच, और एक सिरका और सोया सॉस जो है ना वो भी आपने एक खाने का चम्मच डालना है, साथ आपने इसमें थोड़ी अगर चिली सॉस डालनी है तो वो भी डाल लें, मर्जी आपकी, ज़रूरत हो तो डाल लें, नहीं तो रहने दें। और बात ये कि बच्चों के लिए बनाना है तो बेशक आप सिंपल सॉल्ट पेपर एंड गार्लिक लगा के वो भी डाल सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि मतलब आपका किस किस्म का टेस्ट है। थोड़ा प्रोफेशनली है इस तरह टेस्ट तरह अच्छा आ जाता है, लेकिन लाइक जैसे लोग बाहर से खाना पसंद करते हैं क्लब सैंडविच, इसका सेम फ्लेवर वही वाला आएगा बिल्कुल। सो व्यूअर्स, इसके बाद हमने आपके साथ शेयर करनी है डेफिनेटली हमारा जो चिकन हम स्पगेटी बना रहे हैं, बट हम स्पगेटी की रेसिपी की तरफ आगे जाके आएंगे, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप कॉल भी करते रहें, और याद रखिएगा हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल करके भी आप बता सकते हैं, लेकिन बेस्ट तो ये होगा कि सोशल मीडिया पे अगर आप अपने नाम के साथ हमें लिख दें कि भाई कोई अच्छी सी बात, कोई प्यारी सी बात, कोई पते की बात, तो डेली फिर हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके कमेंट शेयर करेंगे उनके नाम के साथ, और फिर उसी टॉपिक पे डिस्कशन किया करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, और अब मुलाकात कराने जा रही हूँ मैं आपकी एक ऐसी पर्सनालिटी की जो बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ब्रिलियंट यंग लेडी हैं। इन्होंने हमारा नाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रोशन किया है। इनके ग्रैंडफादर जो हैं वो हैं नसीम हिजाजी साहब, जो एक बहुत ही बेहतरीन राइटर, और इनका जो अब प्रोफेशन है, जो स्पोर्ट ये खेलती हैं वो है टेंट पेगिंग, जिसको हम नेज़ाबाजी भी कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, ये एक ऐसी लाइन है जिसमें ज़्यादातर आपने मेल डोमिनेशन देखी है कि मर्द हजरात जो हैं वो ज़्यादा इस तरफ अपना रुझान रखते हैं। अब फीमेल राइडर्स की पार्टिसिपेशन जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा खुश भी करती है और फ़ख्र भी महसूस होता है कि हमारी जो टैलेंटेड यंग पाकिस्तानी बच्चियां हैं वो हर लेवल पे
अपने आप को मनवा रही हैं, whether they are doctors, whether they are engineers, singers, writers, you know, tent peggers, तो बात ये है, और कि वो हमारी जो टीम की हैं, कैप्टन भी हैं, so आइए फर्स्ट लेडीज टेंट पेगिंग टीम ऑफ पाकिस्तान की कैप्टन से मुलाकात करते हैं, सुमैया हिजाजी से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आओ बैठो। सबसे पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो कि टेंट पेगिंग की तरफ, आई मीन यू कम फ्रॉम एन यू नो अ फैमिली जहाँ पे अदब पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज्यादा फोकस है, और वो एक पुरानी कहावत भी है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो खराब कैसे हुई? नहीं नहीं, असल में मैं जिस एनवायरनमेंट में मेरी ब्रॉट अप हुई है उसमें इसको खराब होना कहते ही नहीं थे, क्योंकि मेरे दादा की भी राइटिंग्स अदब के साथ रिलेटेड थी, बट उसमें भी वॉर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वो डिपिक्ट, मोटिवेशनल, यस यस, और उसमें ख़वातीन का वॉर में एक किरदार बहुत इस तरह से दिया जाता था जैसे कि कोई इट्स नथिंग स्पेशल, इट्स नथिंग न्यू, ये सदियों से होता आया है और ये पार्ट ऑफ हमारी जैसे रिलीजन है, हमारा पार्ट ऑफ ट्रेडिशन है, तो इसमें कुछ इस तरह का नहीं था कि मुझे लगे कि आई एम डूइंग समथिंग न्यू। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे लेडीज टेंट पैकिंग कब से चल रही है? इंटरनेशनल लेवल पे अभी स्टार्ट हुई है, अभी ही स्टार्ट जी, इससे पहले टेंट पेगिंग में कोई खवातीन यहाँ से जाके पार्टिसिपेट नहीं करी। इंटरनेशनली बाहर के ममालिक में कब से शुरू हुई? बाहर के ममालिक में तो काफ़ी अरसे से हो रही हो रहा है। हाँ जी, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से कोई पार्टिसिपेशन खवातीन की उसमें नहीं थी। आपकी इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसे हुई, आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? हमें फॉर्चुनेटली हमें EFP की तरफ से, हमारी जो इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन है पाकिस्तान की, उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया, उन्होंने ख्वातीन को ऑल ओवर पाकिस्तान से बुलाया, उनके उन्होंने ट्रायल्स लिए, उसमें सिलेक्शन हुई और लकली हम सिलेक्ट हो गए, जो 5-6 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई, उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो बाहर जाके साउथ अफ्रीका अपनी परफॉर्मेंस दें और वहाँ पे एक फ्रेंडली कंपटीशन खेलें और उसके बाद इस चीज़ को स्टार्ट करें। तो आई फील लकी कि हाँ ठीक है, हम उसका पार्ट बन गए और एक इंटरनेशनल उसका गेटवे खुला है और अब लड़कियाँ जाना शुरू हो जाएंगी। वी आर सो प्राउड ऑफ यू मेरा बच्चा, थैंक यू, अल्लाह खुश रखे आपको, आबाद रखे। और एज यू नो व्यूअर्स, हमने हमेशा ऑन जब हम मॉर्निंग में जुगन किया करते थे, अब मॉर्निंग एट होम, हमारे जो भी एंकर्स रहे हैं, हमेशा हमारा यही ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम ख़वातीन जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रही हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं या एक कोई एफर्ट या काविश भी कर रही हैं तो उनको रिकग्निशन ज़रूर दी जाए, क्योंकि हमेशा इसी बात पर, और देखिए माशाल्लाह इंटरनेशनल एंड नेशनल ब्रांड्स जो हैं वो भी साथ सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं, वरना तो होता ये था कि हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर था वो सिर्फ इंटरेस्टेड था मेल क्रिकेटर्स के अंदर। सो ये देखें तस्वीरें बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी चल भी रही हैं, और आप अगर देखें तो ये कोई आसान स्पोर्ट नहीं है। एक तो आपने हॉर्स राइडिंग करनी है जो इन इटसेल्फ एक बड़ा डेंजरस प्रोफेशन है, उसके साथ फिर आपने टेंट पैकिंग भी, इट्स नॉट ईजी, इट्स एक्सट्रीमली टफ, और जब तक आपका दिमाग जो है वो मल्टीटास्किंग टाइप दिमाग नहीं है, exactly. आप नहीं कर सकते जी, बिल्कुल। ये तो आप दो चीजें कर रहे हैं, उसके साथ आपने फोकस करना है कि अगले क्या कर रहे हैं, किस तरीके से मैंने अपने आप को मैनेज करना है। इसमें हमें बहुत मतलब विद इन सेकंड्स हमें बहुत सारी चीजें माइंड में रखनी पड़ती हैं, घोड़े का कंट्रोल, वेपन का कंट्रोल, अपनी लाइन सीधी रखनी है, पेग निकालना है, काफ़ी कुछ हमें विद इन सेकेंड्स उसको मैनेज करना पड़ता है। आप ये देखें कि व्हाट ब्यूटीफुल मतलब ये इमेजरी, अब आप तस्वीरें भी साथ साथ व्यूअर्स देख रहे हैं, तो बात ये है कि हमें सिर्फ एक या दो स्पोर्ट्स के पीछे लगने के बजाय अपने मुल्क के सारे स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, सुमैया को प्रॉबेबली इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा दाद मिली, पाकिस्तान में की जब हम बात करते हैं तो जब ब्रांड्स एसोसिएट हो जाते हैं और 50 और चीज़ें होती है तो तब जाके रिकग्नाइज करना शुरू करते हैं, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमारी बच्चियां जो हैं अगर वो आगे बढ़ना चाहती हैं तो उसके लिए एक सपोर्ट भी चाहिए होती है। एग्जैक्टली, लेकिन हमारे
वही बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी और इन इदारों की तरफ से भी फौरी तौर पे कोई नहीं आता अनलेस और अनटिल आप एक मार्क अपना बना दें। जब आप कहीं पहुंच जाते हैं, आप कुछ अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आके थोड़ी बहुत आपको सपोर्ट मिल जाती है। अग्रीड, बट आई एम सो हैप्पी कि ये जो है ये स्टेप लिया गया। और आप देखो कि बहुत से फोरम्स पे आपके लिए आपके पोस्ट लगे, आपकी बाकी टीम मेम्बर्स के भी पोस्ट लगे। इंशाल्लाह पूरी टीम को भी इन्वाइट करेंगे। आज हमें ये था कि बीइंग द कैप्टन वील हैव यू ऑन बोर्ड एंड देन इंशाल्लाह आपकी पूरी टीम को एक दिन बुला के हम गपशप भी लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ आप हमें सिखाएं भी। नो आई मीन द पॉइंट इज ऑब्वियसली सिर्फ आप घोड़े के ऊपर ही करते हो या पहले आप जमीन पे खड़े होके भी ट्राई करते हो? जमीन पे भी प्रैक्टिस की जाती है इसकी ताकि आपको लांस की जाहिर है स्ट्रेट अवे तो नहीं हम घोड़े पे बैठ के लांस पकड़ लेते हैं, पहले हम उसको देखते हैं वेपन का कंट्रोल खड़े होके सारा। बड़ी महंगी स्पोर्ट है ना? हाँ जी इट इज। ये जिस तरह गोल्फ एक वो कहते हैं ना कि अमीरों की अमीरों का नवाबों का खेल, ये भी इसी तरह से है इसमें है, क्योंकि आपको घोड़े को उसकी टेक केयर में आपके आप कुछ भी कर लो इट इज एक्सपेंसिव। और बात आपको करना पड़ता है घोड़ा एक तो परचेज करना, अब ये वो नहीं है कि आपने जाके बस कोई मतलब आपको 50-60 हज़ार रुपए का घोड़ा मिल गया आजकल तो आपको गाय नहीं इतने की मिलती। एग्जैक्टली, तो बात ये कि आपने एक तो हॉर्स आपका अपना घोड़ा होना चाहिए और फिर उस घोड़े का एक लेवल और एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और व्यूअर्स घोड़े करोड़ों के अरबों के भी मिलते हैं, इतने इतने महंगे घोड़े भी होते हैं। यस, डिपेंड करता है आप अरब हॉर्स की तरफ जाते हैं, यू गो टू एन इंग्लिश थोरोब्रेड, इट डिपेंड्स आपने किस कैटेगरी। हर गेम के हिसाब से हम अपने घोड़े की ब्रीड भी उस तरह से उसी तरह से करते हैं। अच्छा, अब जब हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं तो व्यूअर्स बुलाते हैं एक ऐसी प्यारी सी पर्सनैलिटी को जिनके साथ शुरू से जब भी कभी कोई प्रोग्राम किया, जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट की तो अनदर वेरी वेरी लवली फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत ही प्यारी, बहुत ही लाडली, हमारी इंडस्ट्री की लाडली, जिसको अगर हम कहें कि हर दिल अजीज़ हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, होस्ट भी हैं, मॉडल भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, बहुत ज़्यादा काम लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की सपोर्ट करने के लिए भी करती हैं। हमारी बहुत ही फेवरेट, बहुत ही प्यारी फरहाना मकसूद। क्या बात है, क्या बात है, एब्सोल्युटली लवली। क्या हाल है आपके मैडम? मेरे हाल ठीक है। नहीं, आपके हाल नहीं ठीक। क्या किए पाँव को अपने? पाँव को बस पाँव ने कहा कि फिर किसी को ठुड्डा मारो, ठुड्डा मारो एक बार फिर, एक बार फिर ठुड्डा मारो। हुआ क्या पैर को? कुछ नहीं, वो फिंगर जो इसमें थोड़ा सा क्रैक है और मांस पड़ी है बस। अच्छा, जो मुझे पता नहीं चला। तुम इनसे पूछो कि कब से दर्द हो रही है पाँव में, पूछो जरा। हां जी, कब से हो रही है? 3 महीने से पहले भी यही पूछ रही थी। 3 महीने से, माय गॉड, इतना तो दर्द हो रही है और मैडम काम में इतनी मसरूफ है कि उन्होंने पैर चेक ही नहीं कराया। वो कहते हैं ना दर्द हद से गुजर जाए तो महसूस नहीं होता, तो शायद मेरे साथ भी। 3 महीने से टूटे पाँव के साथ घूम रही हो? हां। तो फिर पता कैसे चला? कॉन्सर्ट भी कर रही हूँ, उचल उचल के गा भी रही हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ वैसे ही। अच्छा, और जब से पता चला कि पैर टूटा तो तब उछला नहीं जा रहा? 6-3 महीने उछला नहीं। जब पता चल जाता है ना कि नहीं कुछ गड़बड़ है फिर आपको ज्यादा तकलीफें होती है। हाउ डिड यू रियलाइज कि पैर टूटा है? हुआ क्या? असल में ना कल बॉटल पानी की गिरी तो मुझे बहुत ज्यादा चीखे निकली, मैंने कहा ये कुछ है, कुछ गड़बड़ है, वरना इतनी पेन नहीं होती क्योंकि वो मुसलसल हो रही थी। तो फिर मैं चली गई ऑर्थोपेडिक के पास, उसने कहा बीबी ये हुआ है, सुकून से टेक के बैठो, ये लगेंगे कोई। मेरा ख्याल है वो पहले क्रैक था, जब बॉटल गिरी है तो नहीं, पहले मांस फटा हुआ था। अच्छा, इसलिए वो शायद बर्दाश्त हो रहा था, बॉटल गिरी तो वो बोन में क्रैक आ गया। ये फरहाना की स्टैंडर्ड चीज है, बाजू टूटा हुआ है, होश नहीं है, टांग भी टूटी हुई है, अजीब तरीके से चल रही है, सोच रही है कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक खुद ही ठीक हो जाएगा। इनको फिर टेंट पैकिंग में होना चाहिए। टेंट पैकिंग स्टार्ट कर दो। राइडिंग अपनी इम्प्रूव करनी पड़ती है, यानी कि आपको राइडिंग आनी चाहिए। बिल्कुल। और किस एज पे स्टार्ट करना चाहिए राइडिंग? एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि यंग राइडर्स जो होते हैं उनकी हमारी बॉडी हॉर्स के साथ एक बनाती है अपना रिदम,
उसके गेट्स होते हैं हॉर्स की, घोड़े की चाल होती है, तो हर चाल पे हमने अपनी बॉडी को उस तरह से उसके साथ मूव करना होता है। जितनी अर्ली आप स्टार्ट करते हैं आपकी बॉडी उतना जल्दी उसके साथ एडजस्ट हो जाती है। तो जिसे कहते हैं ना कि जो लोग बाद में सीखते हैं, जो लेट लर्नर्स होते हैं इस गेम में, उनकी कभी भी उतनी नहीं बनती। देखिए ना, मेरा हसन इज 5 years old, नूर 1.5 साल की है। बच्चे 5 years से भी स्टार्ट कर देते हैं, बट आई प्रेफर कि एटलीस्ट 7 तो हो, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना हसन, अब वो हाइपर सा है, तो फैसल मुझे बार बार कहता है इसकी अब हॉर्स राइडिंग शुरू करा देते हैं। मैं कहा मेरी गर्ल सुन, एक मिनट, गिट्टे घोड़े तोड़ लेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। ही सेज कि, और यही एग्जैक्ट बात कि 5 years पे बच्चे शुरू कर देते हैं हॉर्स राइडिंग। आई एम लाइक थोड़ा तो बेचारे को थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, सामने जोगा होने दो। बिल्कुल, ये होता है कि समटाइम्स घोड़े रिएक्ट कर लेते हैं। हमारे क्लब्स में इतने ज़्यादा वेल ट्रेंड हॉर्सेज नहीं होते, और हमारे जो यहाँ के देसी घोड़े हैं उनका टेम्परमेंट ही अग्रेसिव होता है। तो अगर उन घोड़ों पे आप अपने बच्चों को ये देख के जाना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि मैंने अपने आंखों के सामने कई हादसात इस तरह होते हुए देखे हैं बच्चों के साथ, के घोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। बच्चा छोटा होता है, वो इतना उसको स्ट्रांगली कंट्रोल नहीं कर पाता, अनलेस और अंटिल आपके पास ऐसी एनवायरनमेंट है जिसमें बहुत कंट्रोल्ड और ट्रेंड हॉर्सेस हैं। और दूसरी बात, आप फॉर एग्जांपल फार्म पे रहते हैं और आपके अपने हॉर्सेस हैं और आपको उनके टेम्परमेंट का भी पता है। अच्छा, सबसे अच्छी ब्रीड टेंट पेगिंग के लिए कौन सी है? हमारे पाकिस्तान में तो देसी जो ब्रीड हमारी अपनी यहाँ की है, वो इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट वन। अच्छा, और इसमें हम लोग पहले हम लोग मेयर्स पे करते थे, फीमेल हॉर्सेस पे, अब प्रेफर किया जाता है कि आप स्टैलियंस पे करें। तो नाउ वी हैव मूव्ड ऑन द स्टैलियंस। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और मेलों पे जाने के लिए एग्रेसिव भी ज़्यादा होते हैं। और अरब हॉर्सेस तो वैसे ही बड़े टेम्परमेंटल होते हैं, तो हमारे यहाँ वैसे हमारी ब्रीड का नाम क्या होता है? देसी, उसको देसी कहते हैं, उसको देसी, वरना उसके अलावा थोरोब्रेड यहाँ पे होती है ज़्यादा, थोरोब्रेड होती है, इंग्लिश थोरोब्रेड जी। और इसके अलावा अब तो बहुत ज़्यादा दूसरी ब्रीड्स की भी यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। अच्छा। अरब्स की भी, डच हॉर्सेस, और इसके अलावा हमारे फ्रीजियंस भी आ गए हैं यहाँ पे, मतलब इम्पोर्ट करना शुरू हो गए हैं लोग, और यहाँ पे उनकी ब्रीडिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो अब हमारे पास काफ़ी वैरायटी है, आ गई है। अच्छा, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे टेंट पेगिंग की तरफ कब जाते हैं? टेंट पेगिंग की तरफ आप उसी टाइम जा सकते हैं जब आपकी ग्रिप इसमें स्ट्रांग हो जाए, हॉर्स कंट्रोलिंग आपकी अच्छी हो जाए, क्योंकि ये गेम की जाती है फुल गैलप पे। फुल गैलप से मुराद यानी फुल स्पीड पे भाग रहा है जी, तो उस वक्त आपने उठाना जी। हाँ। तो उस टाइम मतलब आपकी इतनी ग्रिप हो कि आप उसको एक हाथ से मैनेज कर रहे हैं फुल स्पीड में, और दूसरा हाथ आप वेपन कंट्रोल कर रहे हैं। अमेजिंग। ओके, यू मैडम, व्हाट आर यू अप टू दिस डेज पैर तोड़ने के अलावा? यह कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं, दो गाने अभी रिलीज किए हैं मलकू के साथ, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, क्योंकि पंजाब कल्चर पे जब भी कोई चीज़ करते हैं तो वो हिट होती है। इसके अलावा शॉर्ट फिल्म्स की हैं, ड्रामे की तरफ अभी नहीं जा रही हूँ। How come? इस वजह से कि लोग बहुत कंप्लेन कर रहे हैं कि बड़ी देर से ड्रामों से गायब हुई। यार, अब इतना काम ओवर 100 प्लेस करने के बाद आपका नहीं दिल करता कि आप कोई भर्ती का काम करें और 100 सीन्स हों, लेकिन आप सोचें आप कर क्या रहे हैं। तो फिर आप ना थोड़े सिलेक्टिव हो जाते हैं। सारी हैं, आप भी हैं, जितने हमारे नहीं, मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे साथ तो ये 100 ड्रामों से बहुत पहले हो गया था। हाँ। मैंने जब आई थिंक आई डिड अबाउट 25 और 30 प्लेस। हाँ। और बहुत ज्यादा एकदम से काम किया। उफ, आई कांट टेल यू सुमैया, इट इज लाइक यार ये वही चीज है। हाँ। या मुझे मज़लूम रोती भी बिल्कुल मज़लूम सी, वो ब्लिंकिंग आईज वाली, वो या अंग्रेजी बोलने वाली बदतमीज, ये दो ऑप्शन। मुझे तो एक्सेप्ट ही नहीं करते ना कि जो मैं हूँ उस तरह मुझे ड्रामे में दिखा दें, मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर लूँ तो आंटियाँ रोक रोक के, तुम अपनी शक्ल देखो, तुमने ये क्यों किया। बागी लास्ट जो था उसमें मैंने एज अ वैम्प किया था, तो वो बर्दाश्त नहीं किया, क्यों तुम मेरा, हालांकि बहुत दिल करता है लग चुका ना, और फिर ये भी नहीं रोने वाली, हर वक्त हर ड्रामे रोती बहुत अच्छा, कसम से तो बड़ा अच्छा रोती हो। मैं कभी कभी ड्रामे में देख रही होती हूँ, मेरे अपना मुंह, सारे लोग कहते हैं वैसे तुम्हारे दांत नहीं अंदर होते ड्रामे, मैंने कि इसलिए तो बताती हूँ कि मैं बिल्कुल रोती धोती नहीं हूँ, आम जिंदगी में बहुत हंसमुख हूँ, ये सर ड्रामे में ही मुझे रुलाते हैं, पता नहीं इनको क्यों लगा। तो मैंने एक प्ले किया हम टीवी के साथ जिसका नाम था साइका, तो
सेट पे मेरा नाम डाल दिया इन्होंने कि अभी हंस रही होती है और दो मिनट बाद रोना शुरू हो जाती है जैसे कैमरा ऑन होता, तो मेरा नाम इन्होंने रख दिया था साइको साइका। ना ये भी टैलेंट होता है ना, एहसन खान और आसिम हमारे डायरेक्टर, उन्होंने मेरा नाम ही साइको साइका रख दिया। मैंने कहा कोई शर्म करो, ड्रामा हम क्या बना रहे हैं और आगे से मेरा नाम रख दिया साइको साइका। खैर चले, साइको साइका एक ब्रेक लेगी आपसे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरी एक बहुत प्यारी सी सहेली है, उनको भी हमने बुलाना है अभी सेट पे, और दो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें हैं जो पिछले चैनल पे मेरे साथ बड़ा उन्होंने काम किया, तो उनको मैंने जहेज में साथ अपने आज लेके आई हूँ, तो उनसे भी मुलाकात करा दी है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, अब मुलाकात करानी है आपकी मैंने दो ऐसी प्यारी सी बहनों से जो मेरी बहुत लाडली छोटी बहनें हैं। पिछले एक डेढ़ साल से इनके साथ ऑन एंड ऑफ मुझे काम करने का मौका मिला, एंड आई हैव टू टेल यू व्यूअर्स के इंडस्ट्री में हम लोग अक्सर, जो लोग कुछ अरसे से काम कर रहे हैं, फरहाना भी मैं भी, हम लोग अक्सर ये बात डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट फोरम्स पे कहते हैं कि जब जूनियर्स इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो जूनियर का मतलब ये नहीं होता कि वो किसी से कोई कमतर हैं, जूनियर का मतलब ये होता है कि उन्होंने अभी काम स्टार्ट किया या मोर रिसेंटली काम स्टार्ट किया और सीनियर ने कुछ देर पहले स्टार्ट किया, तो थोड़ा सा एक लिहाज होता है सीनियर और जूनियर का। और मैंने अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में बहुत नोट किया है कि जो नए बच्चे फील्ड में आते हैं उनका एटीट्यूड भी थोड़ा सा ऑड होता है, एरोगेंस बहुत ज़्यादा आ जाती है कभी कभी, हर कोई नहीं कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं। इन दोनों बच्चियों ने मेरा माइंड बिल्कुल चेंज कर दिया, और इनकी एक तीसरी बहन भी है जो आज हमारे साथ शो में नहीं है, लेकिन इन दो बहनों ने प्लस इनकी जो थर्ड सिस्टर है उन्होंने मेरा बिल्कुल इस चीज़ पर माइंड चेंज कर दिया कि दे आर सो एब्सोल्युटली अडोरेबल, स्वीट, हम्बल, डाउन टू अर्थ, दोनों मॉडल्स हैं, दोनों आर्टिस्ट हैं, दे आर बोथ वेरी गुड एंकर पर्सन्स। और बुलाते हैं, सबसे पहले तो बुलाएंगे अरूज नसीम खान को जो साथ साथ ब्लॉगर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो छोटे, कद भी मेरे से लंबी है इसीलिए मैंने आज लंबी हील पहनी है। अस्सलाम वालेकुम बेटी, कैसी हो? आ जा बच्चे। थैंक यू। अब बुलाते हैं हम अलीना नसीम खान को, जिनको आपने बड़ा टॉर्चर किया अपने लाइव शो से। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूं। आप भी हर मैम कहने का, तो तुम्हें मुझे शौक है ना, आ जाओ। अच्छा, यू सी दिस इज व्हाट आई मीन कि व्यूअर्स, इनिशियल इन दोनों बच्चियों का हमेशा वही मतलब, मैंने इनको हर किसी के साथ इतने रिस्पेक्ट और रिगार्ड से पेश आते हुए देखा है, और अगर हमारी इंडस्ट्री के मजीद और लोग देख रहे हैं शो, तो अगर काम करना है सोबर, अच्छे, डिसेंट, वेल ब्रॉट अप बच्चों के साथ, तो ये दो बच्चे हमारे बड़े क्लासिक एग्जांपल हैं। तो मैं आज ऑन एयर आपके लिए खुद तालियां बजा रही हूं। थैंक यू मैम। फरहाना, कितनी दफा ऐसा हुआ है काम पे गए हैं, सेट पे गए हैं, आपने भी बेटा देखा होगा कि इन योर लाइन ऑफ वर्क ऑल्सो, आप लोग तो चलो न्यूअर हो, बट एज द कैप्टन कोई नया बंदा आता है और फिर वो जो एक एटीट्यूड का प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से बड़े सीनियर आर्टिस्ट ने बाय द वे काम भी छोड़ दिया। फरहाना, मैंने बहुत ज़्यादा देखा, और मुझे फील हुआ कि जब मैं नहीं आई थी तो मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी सीनियर्स के सामने, हालांकि वो बहुत अच्छी तरह पेश आते थे, लेकिन ये शायद अभी तक इसलिए हम चल रहे हैं कि अपना वो जो एटीट्यूड हर किसी का घर में एक होता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, ब्रॉट अप डिफरेंट होता है, लेकिन जब आप काम पर जाते हैं तो ये हमारी फील्ड ऐसी कि अपना आप मारना पड़ता है। मैंने देखा है कि नई लड़कियां ना वो आपको सर उठा के ऐसे भी नहीं देखती, सलाम तो दूर की बात है ना, या वो उनको अगर आप कभी समझाने की कोशिश करें, जैसे अभी ऑफ एयर आप कुछ बातें समझा रही थी, मेरा भी दिल करता है कि यार अगर कुछ गलत है या कुछ ऐसा पर्सनालिटी में काम में चीज़ है तो मैं बताऊँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, वो आगे से जो रिएक्शन होता है ना वो शटअप कॉल होती है कि मुझे बहुत पता है। तो आप खैर, मैं इसीलिए कह रही हूँ, अगर काम करना है विद वेरी
वेल ब्रॉट अप, बहुत ही प्यारी, बहुत डिसेंट बच्चे. तो ये हमारे दो बच्चे और एक हमारी पलविशा जिसको हमने आज नहीं बुलाया. वो इतनी बारीक सी है व्यूअर्स, उसके लिए अच्छा इतनी बारीक सी है वो. अच्छा तो बच्चों आप तो आप दोनों को तो मैंने फोन किया, मैंने कहा चलो पलविशा को भी लेके आओ तो चलो प्रोमो शूट करते हैं मिलके. कैसा एक्सपीरियंस था? प्रोमो का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था उस दिन. बोलो सच्ची कह रही हूँ. उस दिन आप पहले बहुत ज़्यादा अपसेट थे यार, क्या गर्मी ये वो, पर जैसे ही मैम जुगन आती है ना माशाल्लाह इतनी फ्रेश होती हैं, इनको देख के ऑटोमेटिकली मूड अच्छा हो जाता है. हमने फरहाना प्रोमो कम शूट किया और अटखेलियाँ ज़्यादा की. इसको लगा दिया झूले पे, मैंने कहा चल तू मुझे झूला दे. बार बार टकरे इसको लगे. असल में वो शॉट ये था ना कि उसने छोड़ना था. अब कंफ्यूजन ये होती थी कि मैं भी धक्का अपने आप को देती थी झूले में, होता है ना कि अच्छा अब मैं भी धक्का. और ये अब प्रोमो भी साथ साथ व्यूअर्स देख रहे हैं, ये हमारी रूज को आपने देखा. अच्छा और हम पूरी डिस्कवरी है हमारी, ये हमारी जो छुटकी जिसकी हम बात कर रहे हैं पलविशा. अच्छा और झूले पे ना अलीना ने छोड़ना होता था. अच्छा वो मैं पहले छोड़ देती थी, वो उसका हाथ बाद में ऐसे जाता था, फिर उसने पकड़ के फिर पुश करना होता था और हर बार आके उसको टक्कर लगती थी और मैं कहती थी हाय मैं ऐसे डबल साइज की हूँ, बेचारी को कितनी जोर से जाके झूला लगता. ये लेना झूला चल रहा है, ये जो आपको बड़ा जेंटल एंड डेलिकेट किस्म का लग रहा है ना, ये बड़े विहंगम अंदाज में हमने किया था. राइट फिर यस मैम. मैम बेसिकली ना अगर मुझे मैम कह रहा मैं मारूंगी, मैं कौन हूँ आपकी? आप तो फिर उनको आप ही कहते हैं, डर लगता है कि कहीं अगर मुझे आप ही कहते तो मैं माइंड करूंगी कि बट आई एम ओनली 21 विद अ 16 साल का जवान बेटा. अच्छा हाँ जी बेसिकली ना वहाँ पे हील उसमें चली गई थी. हाँ मिट्टी में. हाँ जी एकदम फंस गई. अच्छा कि बस हो ये रहा था कि इसकी हील फंस गई, अब इसने आगे होने और ये आगे नहीं हो पा रही. अब ये और ये भी नहीं कह रही ना कि एक सेकंड रुक जाए, क्योंकि वो कट नहीं करना चाह रही थी. कहती एक मिनट नहीं, वो कुछ नहीं कह रही और ऐसे करके ना अड़ी हुई है. वो झूला वापस आया, उसको लगा करके इसकी आवाज आई और फिर उसको ऐसे किया. मैंने कहा इसको लगी है. सबसे ज्यादा रीटेक वहीं पे हुए थे. सबसे ज्यादा रीटेक वहीं पे हुए. सबसे ज्यादा रीटेक मजा आया था. हां जी आई हैड फन. आई डोंट नो आपका क्या हाल है. हमने पार्क में बहुत एंजॉय किया, ऐसे लगता हम पिकनिक पे आए हैं, एंजॉय करने आए हैं. हां बहुत फैमिली वाली पिकनिक जाहिर है इस मौसम में. अच्छा बच्चों देखते हैं कि आप चारों में कॉमन सेंस कितना है. मुंह ना फेरो, बहुत पढ़े लिखे बहुत शदीद पढ़े लिखे खानदान से बिलोंग करती हूँ, उनसे मार पड़ेगी. अच्छा बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों में कई दफा कॉमन सेंस नहीं होता. अच्छा तो ये कॉमन सेंस के सवाल हैं जिनका आप लोगों ने जवाब देना है. आप बताइए कि वो कौन सी चीज है जो पैदा होते ही उड़ जाती है. पैदा होते ही उड़ जाती है, जैसी बनती है उड़ जाती. मक्खी होगी. मक्खी होगी या है? मक्खी होगी, पैदा होती उड़ जाती. अच्छा आप में से कोई ट्राई मारना चाहेगा? मक्खी होगी. नहीं है मक्खी होगी. धुआं. हाँ धुआं. धुआं पैदा तो नहीं होता. धुआं मैंने कहा जैसे ही पैदा होता है ऐसे निकलने को भी पैदा होना. वो कौन सी चीज है जो हमें पढ़ने में मदद करती है, ना कागज ना कलम? तरबियत. तरबियत ना कागज ना कलम. मतलब वो कौन सी चीज है जो पढ़ने में मदद करती है? मेरा ख्याल है आंखें होंगी जो पढ़ने में मदद करती है. करीब है आप. आंखें के करीब है. दिमाग. चश्मा होगा. चश्मा. टेस्ट रबर वाटर कूलर आपके होंगे. अच्छा कॉमन सेंस इसका मतलब नहीं है. कॉमन सेंस नहीं है. अच्छा वो कौन सा जानदार है अरूज जो अंडे और दूध देता है? हम इंसान उसका दूध पीते. मैं इससे मजीद बात नहीं करी. इंसान ही दूध पीता है. वो कौन सा जानदार है जो अंडे और दूध देता है? डक. डक. बत्तख कौन सा दूध देती है? बत्तख नहीं दूध पिलाती है. दुकानदार. इंसान. खुद ही बोल के खुद ही हंसी जा रही हूँ. अच्छा वो कौन सा काम है जो बेटे करे तो बुरा, दामाद करे तो अच्छा? अपनी बीवी की अलीना की तरफ मत देखो उसको. अपनी बीवी की खिदमत. बीवी की खिदमत. द
दुरुस्त फरमाया आपने। वाहिद बंदा जिसने सही जवाब दिया और रूज ने उसके लिए जवाब दे दिया। रूज मत करो अपना जवाब अपना अपना जैसे मियां अपना अपना, ठीक है ना? ओके। वो कौन सा डर है जो औरतों को खूबसूरत बनाता है? बुरा लगने का डर होगा। पाउडर। अच्छा, वो कौन सी भारी चीज है जो आपके ऊपर से गुजर भी जाए तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती? राना खुदा का वास्ता है, यू आर अ फेलो होस्ट, बेइज्जती ना करा मेरी। वो कौन सी भारी चीज है जो आपके ऊपर से गुजर भी जाए तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती? मेरे जहन में बहुत गंदे सवाल आते हैं, इसलिए मुझे जहाज कंट्रोल, ठीक है, जहाज जहाज ऊपर से गुजर भी जाए तो कुछ नहीं करता। अच्छा, वो कौन सी चीज है जिसमें अगर दुनिया भर का पानी डाल भी दें तो वो फिर भी भरता नहीं? समंदर में उसके अंदर आप डाल रहे हैं, आप पोर करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं लेकिन भरी नहीं, क्या मसला है, क्या चीज होगी? सिंक होगा। सिंक को आपने ब्लॉक कर दिया तो छाननी नहीं क्या? छन्नी में जितना मर्जी पानी डाल दो उससे हम किसी बर्तन में तो डालेंगे ना। भर मतलब पानी अंदर डायरेक्ट अगर पानी डालेंगे, सांस ना मारो। अच्छा अच्छा, और वैसे भी हमारे कंटेंट वालों की जिम्मे जाती है, भारत की मेरी गलती नहीं है। वो कौन सा वर्ड है जो शोहर बोले तो गुस्सा खत्म और डॉक्टर बोले तो बंदा खत्म? No more. उसने कहा no more. Sorry. Sorry. क्या? Sorry. सा उसके सारे जवाब दे रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है। क्या बात है? बिल्कुल sorry. अच्छा, वो कौन सी चीज़ है जो लड़कियाँ दिखा के चलती हैं और लड़के छुपा के चलते हैं? मेरे गंदा सवाल। आप बताएं। क्या मतलब मेंटली हो गए फराना, हर चीज में तुम्हें अजीबोगरीब ख्याल आता है। बस आपका सवाल है भी नहीं। बस अच्छा, पर्स वॉलेट, खवातीन अपना वॉलेट बड़ा दिखा दिखा के घूमती है, बंदे छुपा लेते हैं। वो कौन सी रानी है जिसका काम, वो कौन सी रानी है जो सारा काम करती है? नौकरानी। बिल्कुल सही। फरहाना तुम तो डेकोरेशन पीस ही हो। अच्छा, ट्यूबलाइट हूं यार, आपसे मैं सवाल पूछ लेती हूँ हमारी प्यारी सी शेफ जो हैं। अच्छा ये बताएं कि वो कौन सी चीज है जो आप ना लंच में खा सकते हैं और ना ही डिनर में? ना लंच में खा सकते हैं ना डिनर में, नहीं ब्रेकफास्ट। हाँ। अच्छा, वो कौन सी चीज है जिससे आप दीवार के पार देख सकते हैं? दीवार, शीशा। नाम क्या होता है उसका जो लगा हुआ होता है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं? ग्लास। विंडो। विंडो। अच्छा, हर बंदा दूसरे बंदे का जवाब दे रहा है, अपना जवाब किसी को नहीं आता। इशारा भी किया था खिड़की। मैंने नहीं देखा। ये देखा, देखती तो नहीं हो किचन में क्या सिचुएशन है, ये देखो सूख के कांटा हो गई है। बस अभी तैयार हो रही है, बस इनके लिए ही तैयार हो रही है, इनके लिए तैयार हो रहा है, 10-15 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। इनको मिंट मार्गरीटा ही दे दो लड़कियों को हमारे। अब ब्रेक होती है ना, फिर मैं आपको देती हूं। हां, क्योंकि वो हमने ब्लेंड ब्लूंड भी करना होता है ना, तो ये मामलात भी चल रहे थे। अच्छा, चारों से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं, आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन कौन है? वो आपकी फील्ड का भी बंदा हो सकता है, कोई फैमिली का भी, मतलब Who is your inspiration? Inspiration का word कहती हूँ तो ज़हन में क्या आता है और कौन आता है? मेरे लिए inspiration मेरी अपनी family में थी, मेरे दादा थे, मेरे अपने भाई थे। Being very brave personalities, मैंने अपने घर में अपने father को देखा, they were all very good riders, hunters, good with weapons. तो मेरी inspiration तो वही थी। साथ टूट जाती थी? नहीं, मतलब साथ जाती थी? जाती नहीं थी, उस टाइम मुझे डर लगता था। मैं ये चीज़ बाद में मेरे मुझे मैंने जिस तरह करते हैं ना, बंदा डिस्कवर करता है अपनी एक पर्सनालिटी की ट्रेट, तो वो मैंने लेटर डिस्कवर किया कि अच्छा ये कीड़ा मेरे अंदर। ओके, बट जब आप इस तरफ आए तो फैमिली ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? वेरी इनकरेजिंग। अच्छा। हाँ, और मैंने सोचा कि मैं पहले क्यों ऐसे बैठी हुई थी और मैं क्यों नहीं इनके, क्योंकि अगर मैं जल्दी भी स्टार्ट करती तो मुझे इनकरेज ही करते।
तो आप इसीलिए नहीं कर रहे थे कि यार वो कहेंगे दिस इज अ बॉयज थिंग? नो नो नो, बस किया ही नहीं कभी ऐसे, हाँ सोचा ही नहीं कि यार मैं भी कर लूँ। बट राइडिंग करते थे बचपन में ना? हाँ बचपन में राइडिंग, घर में हमारे घोड़े होते थे, लेकिन मैंने कभी भी अपने भाइयों से भी नहीं कहा कि मैंने इसको प्रोफेशनली सीखना है। ओके, योर इंस्पिरेशन पर आना। अम्मी। अम्मी व्हाई? क्योंकि हर मामले में एक तो सपोर्टिव भी थी, लेकिन चूँकि लाइफ थी ना, उनकी डेथ के बाद मुझे समझ आई कि लाइफ होती क्या है, जिन चीज़ों को उन्होंने समेटा हुआ था। और प्योर एक मतलब वो घर की औरत थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बाहर भी हैंडल किया, और मेरा जितना नाम है वो सब उनकी वजह से है, उनकी गाइडेंस की वजह से है। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ तो इसलिए अम्मी उनके लाभ है। इंस्पिरेशन लाइफ में कौन है? अबू। अबू बहुत हार्ड वर्किंग है, और उनकी नेचर ऐसी थी कि वो कभी भी कोई भी जितना मर्जी बड़ा काम हो वो कभी भी नहीं कहते थे कि ये मैं नहीं कर सकता। वो हमें भी यही सिखाते थे, हम पांचों बहनों को यही सिखाते थे कि आप लोग कर सकते हो, लाइफ में कोई भी काम है आप लोग कर सकते हो। और जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना कमर्शियल किया था टीवीसी, तो मैं तब 8th class में थी, मैं बहुत डरी हुई थी। तो जब उन्होंने देखा मुझे टीवी पे, तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है अच्छी बात है बच्चे आपने काम किया कोई मसला नहीं। तो वो बस इतना सपोर्ट उस एज में मिल गया कि अब डर ही नहीं लगता किसी चीज़ से। वही होता ना कि आपके साथ अगर आपके बाप का सपोर्ट हो, बाप और भाई आपके साथ खड़े हो, तो फिर आपके अंदर वो लेवल, उस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है जो आपको शायद और कहीं पे भी नहीं आ पाता। बिकॉज आपको पता है ना कि आपके साथ कोई खड़ा हुआ है। बहुत से लोग मीडिया में आते हैं, स्पोर्ट्स में भी मैंने देखे हैं बच्चियाँ आती हैं छुप के। दूसरा ना, मैं अम्मी का इसलिए भी जिक्र करूँगी कि उन्होंने मुझे हमेशा ना ये का लड़के और लड़की के फ़र्क को ख़त्म किया जो उस दौर में नहीं होता था। और वो मुझे कहती थी कि ये मेरा ना बेटा है तो लड़कों की तरह काम करो। हाँ बट खैर वो यही तो ट्रेंड हमने फराना अब चेंज किया ना कि मतलब लड़के की तरह क्यों, तो लड़की इन इटसेल्फ नहीं। उन्होंने कहा कि मतलब ये क्यों नहीं कर सकती, क्यों कहा जाता है कि लड़की है ये नहीं करेगी, शोबिज में नहीं आएगी, क्योंकि लड़की क्यों, लड़की भी कर सकती है। और इस तरह से तो ये चीज़ें उस दौर में बड़ी मुश्किल थी एक्सेप्ट करना या इसको अलाउ करना। बिल्कुल, मुझे खुद मैंने कितनी डांटे और मतलब घर वालों ने बात ही करनी छोड़ दी। एडवान पर अच्छा, आसिफ की कॉल है वाला से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आसिफ आप बताएं कि कोई अच्छी सी बात आज आप हमारे साथ शेयर करेंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपका शो अब आ गया है टीवी पे दोबारा, और बड़ा अच्छा लग रहा है जी। थैंक यू सो मच। और हमारे गेस्ट से कोई सवाल करना चाहेंगे, उनसे कुछ जानना चाहेंगे? आज वो मैंने एक सवाल करना है फराना जी से कि अब ये ड्रामों में नहीं इतनी नजर आ रही हमें, तो उनका कब नया ड्रामा आएगा? चलिए थैंक यू सो मच कॉल करने का, थैंक यू आसिफ। हाँ जी, वही वाली बात जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले पूछी। मैं खुद बहुत मिस कर रही हूँ ड्रामास को, लेकिन मेरी यही कोशिश है कि जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे कैरेक्टर करना चाहिए उस दिन मैं ज़रूर नज़र आऊँगी। वैसे रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट मूवी की है कुर्ता, तो उसको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो मेरा रिसेंट काम है और वो बहुत इंटेंस एक चीज़ है। तो मैं चाहती हूँ कि अब कुछ डिफरेंट काम करूँ, क्योंकि मुझे लोगों के जवाब देने पड़ते हैं, आप जैसे लोगों के कि आपने ये क्यों कर लिया था, तो वो फिर आप ये सुनने से बेहतर है आप ना करें, लेकिन इंशाल्लाह कुछ अच्छा है तो ज़रूर करें। अमेजिंग। अलीना, हू इज़ योर इंस्पिरेशन बेटा? मैम मेरी लाइफ में छोटी छोटी मतलब मैंने कहा सबसे सीखा है कुछ ना कुछ, मेरी लाइफ में सबसे पहले तो मेरी मदर हैं, क्योंकि बेसिकली मेरे अब्बू पठान हैं, तो उनको चेंज करना एक बहुत मुश्किल काम था। और पहले ही 5 बेटियां होना ये उससे भी बड़ा मुश्किल काम था, और बेटियों को ऐसी लाइफ देना लड़कों जैसी ये बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल था, जो उन्होंने हमें लाइफ में किसी भी टाइम पे ये फील ही नहीं होने दिया कि हम लड़की हैं। वो हमारे लिए हर जगह स्टैंड लेती रही, उन्होंने अब्बू को बदला, उन्होंने हर रूल को बदला। आपको पता है पठानों में पर्दा और ये सब लड़कियों के बारे में कि ये लड़कियाँ ये नहीं करेंगी वो नहीं करेंगी, स्टार्ट से ये सब बहुत ज्यादा था। पर्दा बड़ी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन आपकी चॉइस है, आपने अगर करना है तो आप जरूर करें। जबरदस्ती
कोई भी चीज जबरदस्त जबरदस्त और लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, उनको रोका जाता है स्टडीज नहीं के लिए. हमारे बाकी कजन है वो भी नहीं जाते स्टडीज के लिए, बहुत रोका जाता है इस चीज़. बट आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट सपोर्ट किया. हाँ जी, हर चीज में अम्मी ने, हमने कुछ भी किया अम्मी ने खुद सपोर्ट किया कि बेटा आप यहाँ जाओ, ये करो ये करो. और फिर अब्बू का भी माइंडसेट किया कि नहीं बच्चियों को रोकना नहीं है, इनको लड़कों को लड़कों की तरह लेके चलना है ताकि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ें. तो अम्मी की बहुत ज़्यादा. और एक ही है अरूज. अरूज आप तो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है बेटा. अच्छा कॉल है माहम की, उनकी भी कॉल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम माहम. वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप जुगन? बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं माहम, कोई अच्छी सी बात हमारे साथ शेयर करें. जी मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने आपका शो बहुत ज़्यादा मिस किया कि आप चली गई थी. तो मैं सबसे ज़्यादा, मुझे बहुत खुशी हुई आप वापस आ गई हैं. थैंक यू सो मच बेटा. दिल ही फैन हूँ बहुत ज़्यादा, मैं आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करती हूँ. थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू. अच्छा आप बताएं ना कि कोई कोई अच्छी सी बात, कोई ऐसी बात जो आप हम अपने बारे में हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी, हमारे गेस्ट से कुछ पूछना चाहेंगी. मैं एक बात ये शेयर करना चाहूँगी कि हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम लोग किसी की दिलदारियाँ कर दें कि कोई हमारी फीलिंग से हर्ट ना हो, किसी की फीलिंग हमारी वजह से हर्ट ना हो जाए. तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बात पहले तोलो फिर बोलो वाली जो बात होती है. थैंक यू सो मच माहम. और बेटा कोई अच्छा आइडिया या कोई अच्छी एडवाइस हो तो ज़रूर हमारे फेसबुक के पेज पे मॉर्निंग एट होम पे हमारे साथ ज़रूर शेयर करना, अपना नाम नीचे लिख के, ताकि हम उसको अपनी वो जो एक बनाने लगे हैं एक पटारी जैसी जिसके अंदर हम डाला करेंगे डेली, और फिर उसमें से कोई एक या दो आप लोगों की अच्छी सी बातें आप लोगों के साथ ही शेयर किया करेंगे, ताकि आप लोगों के नाम के साथ हम क्रेडिट दे के बात को करें. छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे. हमारी मुल्क की एक सुपरस्टार, एक फिनोमिनल आर्टिस्ट, एक ऐसी पर्सनैलिटी, अगेन मेरी एक ऐसी साथी जिन्होंने हमेशा मेरी बड़ी सपोर्ट की है, मेरी बड़ी ही प्यारी बहन है और हमारे मुल्क की एक इंटरनेशनली रिनाउंड स्टार है. उनसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद. हमारी जो ब्रेक में गुफ्तगू चल रही होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है. सायरा नसीम साहिबा, हमारे मुल्क की सुपरस्टार, इंटरनेशनली रिनाउंड आर्टिस्ट, जिनको पहले तो पूरी दुनिया में दूसरे अंदाज में लोग पसंद करते थे, लेकिन अब इनकी प्रेजेंस ऑनलाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मेरे ख्याल से लोग ऑनलाइन ज़्यादा इनको फॉलो करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. शदीद प्यारी लग रही हैं मुझे और जदीद. बहुत खुशी हुई है कि जुगन दोबारा पी टी वी पे आ गई और रौनक आ गई पी टी वी पे. चलो उन तो सिर ते ना चढ़ो वैसे. हाँ. मैं थोड़ा सा इतराने लगी थी. अच्छा? फिर मैंने कहा इतराने के साथ चितर्स ना बढ़ जाए तो नहीं, मैं नहीं पड़ता. कंट्रोल्स में हो गई. अच्छा ये बताइए सायरा जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमने अभी अपने बाकी गेस्ट से भी पूछा, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आपको सारी जिंदगी इंस्पायर किसने किया है? वो एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा शख्स, चाहे वो मीडिया में हो, हाँ, सीनियर्स में से हो या कोई अपने फैमिली का ऐसा बंदा, वो एक शख्स जो बहुत आपको इंस्पायर किया जिसने? फैमिली में से तो मेरी माँ ही थी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे. और वैसे मीडिया में तो मैडम नूरजहां जी, उनसे बहुत ज़्यादा. ओके अब कुछ ज़रूरी सवाल पूछने हैं जिनको जाने बगैर शो इनकम्प्लीट हो जाएगा. ठीक है, रात को क्या चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए? कौन सी तीन चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए? ज़रूर क्या पूछ लिया? मतलब इशा का टाइम हो जाता है मेरे ख्याल में, इशा भी पढ़नी चाहिए और बच्चों का ख्याल करना चाहिए, उनको टाइम से सुलाना चाहिए और ख़ुद भी सो जाना चाहिए और क्या. अच्छा चलो ठीक है, तीन. अच्छा चल रोज मुझे बता, रात को तीन चीज़ें जो ज़रूरी करनी चाहिए. अगर तो सुबह कहीं जाना है तो अपने कपड़े तैयार कर लेने चाहिए
और बाल भी स्ट्रेट कर लेने चाहिए, बाल स्ट्रेट कर लेने चाहिए पहले, एक रात पहले। ये बड़ी वो है, वो एक दिन अच्छा। एक दिन बाल बनाती है, दो दिन चलाती है। इसने मुझे बताया था और इसने मुझे ट्रिक भी बताई थी, लेकिन वो मेरे पे काम नहीं की। मैंने कल के बाल हाथ चलाने की कोशिश की, ऑयली हो जाते हैं ना, फलूस सा निकल गया बालों का। हाँ, और नमाज पढ़ लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। शुक्र है मैं यही वेट कर रही थी कि दांत कोई नहीं आपको ब्रश करता। वो तो जरूरी है। नहीं, आपने नहीं कहा, मैंने जरूर कहा। नहीं ठीक है, फेस की क्लेंजिंग करनी चाहिए। लोग मुंह धोए बगैर सो जाते हैं, मेकअप में कभी भी नहीं सोना चाहिए। वो भी दो दिन चलाते हैं कभी कभी। हाँ, वो बहुत डेंजरस चीज है। दो दिन। और तीसरी बात ये है कि अपने मरे हुए माँ बाप को मतलब ऐसा अले सवाब दे के सोना चाहिए। ये तीन चीजें हमारी भी यही रूटीन होती है। शावर लिया, नमाज पढ़े, आप वही बच्चों को देखना और सारा कुछ करके सो जाए। बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरे तीन बच्चे हैं। आप तो खुद भी हैं। नहीं नहीं, मेरे तीन बच्चे हैं। नहीं बाकी माशाल्लाह, अभी भी आप डॉल हैं। थैंक यू जान, आपसे मैं बाद में बात करूंगी। अच्छा अलीना, रात को क्या चीजें जरूर करनी चाहिए? ब्रश करना चाहिए, शावर लेना चाहिए और नमाज पढ़ के सो जाए। सुन लिए? सबने सुन लिए? हाँ जी, बाल स्ट्रेट, गंदे बाल नहीं करने चाहिए, नहाना चाहिए साफ सुथरे होके, दंदी ब्रश करके, और प्लीज डिओड्रेंट सब इस्तेमाल। बिल्कुल, ये एक बड़ा जरूरी एलिमेंट है। किसी को ख्याल नहीं आता, मैं ये कहना ही चाह रही हूँ। बहुत ज्यादा लोग माशाल्लाह बस चले ना, मैं बोलते हैं और एक एक मार्ट दूं जहां जाऊं। अच्छा, मैं पता क्या करूं? नहीं, कई लोगों को नहीं पता चलता। जाती हूं, मेरा दिल जाता है, एक चम्मच डिओड्रेंट का फैला दूं के अंदर से जो है वो च्युइंगम दे दें। हां, एक च्युइंगम दे दें और डिओड्रेंट लगा दें बस। हां बस ठीक। कई लोगों को मतलब पता ही नहीं चलता उनको। अच्छा चले, अब अगली अच्छा बस अपने दुखड़े खत्म। अच्छा, जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो तीन चीज में चीजें लाजमी साथ। तीन चीजें ही ना सारी? हाँ, आज दिन में। हाँ, चार कहती हूँ तो चार भी हो सकती है। तीन चीजें जो लाजमी ट्रैवल करते हुए साथ लेके जाते हो। साथ लेके जाते हो ट्रैवलिंग पे जब जाना होता है, तो तीन चीजें कोई कौन सी पैक करनी जरूरी है जिनके बगैर गुजारा ही नहीं है? जैसे कि सूटकेस में आप डाल ही सिर्फ तीन चीजें। जाहिर है कपड़े। नहीं, कपड़े तो ज्यादा हो गए ना। नहीं है, मैं मतलब कपड़े तो जरूरी है ना, आपने जरूरी रखने चाहिए। बैग एक साथ में होना चाहिए अपना, वो जहाज वाला तो वाकई तो ब्रश वगैरह जो ठीक है अपना रखना चाहिए। सारा परफ्यूम जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मेरा खैर वो ऐसा काम नहीं जो आप कह रहे हो ड्यूटीज वाला, और ये वो मेरा वो नहीं है। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र। तो अपनी तस्बीह वगैरह साथ रखनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में इबादत करना बहुत ज़रूरी है जहाज में ख़ास तौर पे। वैसे बाय द वे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मैंने ये नोटिस करना शुरू किया, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं जहाज पे अपने साथ जो इलेक्ट्रिक वाली तस्बीह होती है वो साथ। नहीं, मैं वो नहीं रखती, मैं अपने हाथों पे। हाँ सही है, सही, वेरी गुड। अच्छा, व्हाट अबाउट यू, जब ट्रैवल करती हो कौन सी तीन चीजें बतानी है आप? कौन सी चीजें, तीन चीजें अपने सूटकेस में अपने साथ लेके जाती हो? अगर तो मैं अब्रॉड जा रही हूँ और मुझे पता है कि वहाँ कोई मुस्लिम घर नहीं है, तो जानमस क्योंकि मैं नमाज पढ़ती हूँ, डिओड्रेंट, परफ्यूम और ये टूथब्रश और सनब्लॉक। बाकी सारी चीज़ तो बंदा ले लेता है, ये चीज़ें जरूरी होती है। व्हाट अबाउट यू, आपकी तो ट्रैवलिंग काफ़ी है। नहीं इतना, अब जिस तरह हमने इंटरनेशनल ट्रैवल करना था तो वही जिस तरह आप बता रहे हो, लेकिन एक मेकअप भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम जरूर पैक करते हैं। हाँ, हमें यूनिफॉर्म तो डेफिनेटली अपने, हमारी ट्रैवलिंग में हमें बूट्स और हेलमेट लाजमी रखने होते हैं। ओके, तो इसके बगैर तो हमारी ट्रैवलिंग नहीं होती। तो यानी कि बूट, यूनिफॉर्म, हेलमेट आपके तो ये हमारा काम हो गया। हो ना हो ये होगा। इसमें अपना ब्रश, टूथब्रश, अपना हेयर ब्रश, इस तरह की मेकअप की चीज़ें, अपने टॉयलेटरी सारी। हाँ जी, और कपड़े वगैरह बस। जाए नमाज वगैरह मिल जाती है, ना भी मिले तो कोई भी क्लीन जो कपड़ा वगैरह या चादर वगैरह आपको मिल जाती है होटल्स में, मैं तो उस पर नमाज पढ़ लूँ। हाँ जी,
मैं कहीं जाती नहीं हूँ दूर घर से। स्ट्रेटनर ना कहना कि जरूर से लेके जाती हूँ मैं। मेरे बाल बहुत ज़्यादा कर लिए हैं। मेरे ख्याल में आपको अपनी तस्वीर रखनी चाहिए साथ जब ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि मेरा आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री का तो कभी होता नहीं इतना। और साथ अपना मेकअप पाउच और अपना फेस वॉश और टूथब्रश वगैरह जो है पूरा। टॉयलेटरी, शुक्र है अब हमने एक बात एस्टैब्लिश करी कि टॉयलेटरीज अपनी हमने ज़रूर लेके जानी है। और तीनों से एक ही सवाल है, ठीक है? अब वन बाय वन हमने जवाब देना है कि हैंडबैग में हमेशा क्या तीन चीज़ें होती हैं? हैंडबैग में ज़्यादा हमेशा गुजारा जिनके बगैर नहीं है। पैसे के बगैर तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो वॉलेट हो गया, ठीक हो गया, और कोई च्युइंगम वगैरह रख ले रास्ते के लिए, ज़रूरी है, ठीक है। और क्या चीज होनी? मोबाइल नहीं रखती बैग में? मोबाइल मैं हाथ में रखती हूँ। नहीं तो आए हाय तीन चीजें इन द बैग। मैं बैग में नहीं रखती, चलो रख लेती, रख लिया। हाँ, तो ये तीन हो गई। परफ्यूम तो लाजमी, और मोबाइल ऑब्वियसली चार्जर के साथ, और टूथब्रश। परफ्यूम के बगैर भी जैसे गुजारा नहीं है। सोच रही हैं आप? अच्छा चलिए फिर आप बताएं। थ्री थिंग्स दैट यू कैरी इन योर बैग ऑल द टाइम। डिओड्रेंट अलग से, परफ्यूम अलग से, और इसके अलावा डेफिनेटली अपना वॉलेट, अपने कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह। तो वॉलेट ठीक है, आईडी यानी फोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं? नहीं, फोन भी होता है। नहीं तो तीन मेरी शायद 4-5 हैं, नहीं बल्कि 8-10 हैं। तीन ओके, मेरा बैग देख लोगे तो बेहोश हो जाओगे। अगर ये सब कुछ तीन चीजों में रखना है ना, फिर मैं फोन हाथ में रखूं। चलाकियां, व्हाट अबाउट यू? जो तीन मेन जरूरी चीजें हैं वो हमारा वॉलेट है, मोबाइल है, मोबाइल बहुत जरूरी, और परफ्यूम। ठीक है, वॉलेट, मोबाइल, पावर बैंक। पावर बैंक सुन लो जरा, पावर बैंक, उसका पावर बैंक के बगैर ही नहीं गुजारा, लड़की की जिंदगी ही नहीं मुकम्मल हो सकती पावर बैंक के बगैर। ओके तारा जी, आपसे सॉन्ग सुनना है, लेकिन उससे पहले बता दो आजकल मसरूफियात क्या है जान? मसरूफियात ये है कि वीडियो शूट करवा रही हूँ अभी, मुहर्रम से पहले पहले, मुहर्रम के बाद रिलीज होगा इंशाल्लाह। और आगे मुहर्रम आ रहे हैं, बस मुहर्रमों की सारी मसरूफियात। बट वीडियो के बारे में तो कुछ बताओ जो आने जा रही है। आप वैसे ले धड़ाधड़ चीजें तैयार कर रहे हो? नहीं, अब हर माह इंशाल्लाह एक वीडियो जरूर दूंगी। अमेजिंग, दूंगी। गाने बहुत हैं, बस वो पिक्चराइज होने और कुछ नहीं। पिक्चराइज होने, तो उसकी पिक्चराइजेशन पे काम हो रहा है, और इंशाल्लाह आफ्टर मुहर्रम इधर ही लॉन्च करोगे ना? जी अंडरस्टूड सी बात है, यहीं पे पाकिस्तानी है हम, तो पाकिस्तान में ही होगा सब कुछ, और स्टेट चैनल पे होगा। हाँ जी, हाँ जी, पाकिस्तान टेलीविजन। हाँ जी, ये पर मेरा इसी पे हुआ था ना, लेफ्ट बेनी बा माई है ना जी, वो मेरा इतना फेवरेट है, हर दो मिनट के बाद गाना ऑन लगा के अपने मियां के सामने बैठ जाती हूं। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? लेकिन वो मेरा बड़ा फेवरेट है, बहुत सुना है मैंने। चले तो अब आपसे ही कुछ सुनते सुनते ब्रेक में जाएंगे, तानों के अलावा। ताने या ताने? तान, ताने या ताने? 1 2 3 झम। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक, हम आ गए हैं किचन में, क्योंकि आपको पता है हमारे साथ हमारे गेस्ट भी हैं, तो गेस्ट के लिए ऑब्वियसली कुछ एहतमाम करना तो ज़रूरी था। तो क्या सिचुएशन है जी? सब कुछ रेडी है, बस अब आपने टेस्ट करके बताना है कि कैसा है। नूडल्स की रेसिपी रह गई थी? हाँ, नूडल्स की रेसिपी रह गई थी। अच्छा, अब इसकी रेसिपी मैं बताती चलूँ। स्टार्टिंग में आपने थोड़ा सा ऑयल ले लेना है, मतलब एक कप ले लें अंदाजन, साथ 1/2 kg आपने जो है ना चिकन ले लेना है, इसको मैरिनेट कर देना। मैरिनेट का तरीका जो है, इसमें आपने 1 tablespoon जो है ना रेड चिली डालना है, लाल मिर्च, हसबे ज़रूरत नमक, 1 चम्मच आपने सिरका, 1 चम्मच सोया सॉस, और इसको आपने मैरिनेट करके साइड पर कर देना है। साथ आपने 2 टमाटर काट लेने, काट के उसको जो आपने ऑयल गर्म हो गया अगर उसमें आपने इसको फ्राई कर लेना ऑयल टमाटर को। जब उसका थोड़ा सा पेस्ट बन जाएगा, जो मैरिनेट किया होगा आपका जो चिकन होगा, आपने उसके अंदर इसको फ्राई कर लेना। जब फ्राई करके साइड पे जो आपके जो कटिंग के लिए आपके जो वेजिटेबल्स होंगी, उसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर होगी,
एक एक पाव आपने सारी ले लेनी है, उसकी कटिंग करके आपने उसको फ्राई, उसको पहले मैरिनेट करके उसको भी साइड पर कर देना। सेम जो रेसिपी चिकन की है उसको भी साइड पर रेसिपी आपने वही सेम चीज़ें लगा के साइड पर कर लेना ताकि फ्लेवर इक्वल हो। उसके बाद आपने उसको भी अलग फ्राई कर लेना, फिर एंड साथ आपने नूडल्स बॉयल कर लेनी है। आपने वो नूडल्स और उसको सब चीज़ों को ना मिक्स कर लेना जब सारा मटेरियल तैयार हो जाएगा। मटेरियल तैयार होने के बाद जब करके एंड पे आपने थोड़ी सी केचप ऐड कर ले, ज़रूरत हो तो, मर्जी है, ज़रूरी नहीं है, वो करके आपने उसको हल्का 2 मिनट दम दे दें, आपकी स्पेगेटी, चिकन स्पेगेटी तैयार हो जाएगी। ऑसम, तो हमारा मेन्यू तैयार है, सैंडविचेस मैं लेके जा रही हूँ अपने गेस्ट के लिए। और हाय कितनी एक्साइटेड है, रूज के सैंडविच आ रहे हैं, उसे सिर्फ इसलिए पकड़ा था कि सैंडविच उसके हिस्से में भी आ जाए। तो अब सिचुएशन ये है कि क्योंकि हमने अब अपने शो को कंक्लूड करने की तरफ जाना है, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि सबके पास मसरूफियत आजकल, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ दैट यू आर बिजी इन। फराना जी, कॉन्सर्ट अभी तो सीन ऑफ हो गया है, और हाँ एक्टिंग आपको पता है थोड़ा ब्रेक दिया हुआ है, शॉर्ट फिल्म्स कर रही हूँ, और इसी तरह गाना मुहर्रम से पहले एक रिलीज़ करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना लोग मांगते हैं हल्ला गुल्ला, लेकिन अपना जो एक आपकी चॉइस होती है, मैं चाह रही हूँ वैसा भी कुछ कर दूँ, कोई बात नहीं, व्यूज़ नहीं भी आएंगे तो चलेगा, लेकिन कभी कभी अपने दिल की भी करनी चाहिए एक्टिविटीज़। यही मुझे एक बात बताओ फराना, मैंने सारा जी का भी यही देखा है, सारा जी ने अपने मिजाज अपने मूड के हिसाब से हमेशा सॉन्ग्स रिलीज़ किए हैं। यू विल सी अ लॉट ऑफ हर रोमांटिक सॉन्ग्स, then you'll see a lot of the halla gulla song, mood jaisa ho na usi kism ka music banana chahiye, usme performance bhi behtar aati hai, lekin pata inki ek pehchan hai, inhone jo films mein ga diye hai na wo gaane amar ho gaye hain, wo aaj bhi aap sune the movie ka na, pata wo aapko aaj bhi na naye lagte hain, kyunki wo culture se bahut kareeb hai cheeze na, wo halla gulla nahi hai, halla gulla khatam ho jana hota hai, to abhi jaise main bata rahi thi ki mujhe wo phad meri maa itna main sunti hu na, halanki wo kab se release hua hai, lekin wo abhi bhi sune to aapko lagta hai dobara sune, bahut logon ko jo cheez dobara सुनने को दिल करता है वो एवरग्रीन। एग्जैक्टली एंड आपका तो सॉन्ग इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद रिलीज होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं कर पहले भी सकते थे मगर नहीं, क्योंकि मुहर्रम आ जाने सोख के देना है तो फिर हाँ फिर उसके दौरान वो वैसी सॉन्ग तो किसी तो ने सुना था, जब सो खत्म होगा तो फिर हम मुहर्रम के बाद ही सो। नहीं नहीं मुहर्रम के, मुहर्रम में तो इम्पॉसिबल के बाद ही कहना चाहिए ना, 10 दिन तो मेरा ख्याल। व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान जान? फ्यूचर प्लान्स अभी हमारी ट्रेनिंग फर्दर और इन्हांस करने लगे हैं, हम लोग अपनी एक मैं स्पेस ऐसी बनाना चाह रही हूँ कि जिसमें हम ज़्यादा लड़कियों को बुलाएं और उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करें, तो उस पर आजकल हम लोग काम कर रहे हैं, मैं और मेरी टीम के। अभी हम लोग जिस तरह ट्रेनिंग लेके आई हैं लड़कियाँ, 5 लड़कियाँ गई थी, 5-6 हम लोग, तो वही आगे फर्दर जो यहाँ पे लड़कियाँ हैं उनको इंटरनेशनल स्टाइल टेंट पेगिंग पे ट्रेनिंग दें, तो हम आजकल उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं चली जाऊँ ट्रेनिंग में? हाँ जी चलेगी, आप उसमें डिस्कस कर सकती हैं ट्रेनिंग का। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस, आप दोनों से किसी और दिन डिस्कशन होगी, अभी मैंने दोनों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सोची हुई हैं, वो आप इनका फिर इनकी मुलाकात जब होगी तो हम इनसे मजीद इनका कीमा निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर शो को क्लोज करना है तो ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल सुपर स्टार हमारे साथ है मैडम जी, मैडम ओवर टू यू जी। ओके जी, ओके जी, आइए जी।